बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के शुक्र करम और फजल के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रात सारी गरज चमक के साथ बारिश होती रही है, हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी। अभी भी सुबह की बारिश हो रही थी तो खेतों में पानी थोड़ा थोड़ा सा खड़ा हो गया है, तो मोटरें अभी चल गई हैं चावल की फसल के लिए। तो ये जो बिजली वाली मोटरें लगी हुई हैं हमारे गांव में, इनका पानी कुछ इतना खास नहीं, आप देख ही सकते हो कि कितना पानी है। ये पानी बहुत थोड़ा है इन मोटरों का, और खेतों को पानी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो अभी बारिश की वजह से पानी खड़ा हो गया खेतों में, और साथ में ये मोटरें चलाई हुई हैं। तो जिन लोगों ने चावल की फसल लगाना स्टार्ट नहीं की, वो लोग भी स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी दिन के सियालकोट में मकान स्टार्ट किए हुए हैं सिस्टर ने, मगर मैं अभी तक वहाँ नहीं गया, मतलब काम करवाने नहीं गया, वैसे जाता रहता हूँ। तो आज इरादा है कि वहाँ पे थोड़ा सा काम करवा लिया जाए। अभी मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक निकलूँगा कि मैं भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल दूँ, थोड़ा सा काम वगैरह करवा लूँ उनके साथ। तो घर से निकल चुका हूँ जाने के लिए। तो आज काफ़ी अरसा के बाद जो है ना वो रिक्शा और ट्योटा का सफ़र करूँगा, क्योंकि बाइक नहीं है पास। तो हमें हमारे मेन रोड से ट्योटा नहीं मिलता सियालकोट के लिए, तो हमें यहाँ से रिक्शा पर जाना पड़ता है। अगर बाइक ना हो तो रिक्शे पे जाना पड़ता है। यहाँ पे एक साथ में ही सबदवीर मोड़ अड्डा है, वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ से टोटा मिलता है। हाँ जी, कितने किले मोड़ा लो। किसी रिक्शे के इंतज़ार में यहाँ खड़ा था, मगर गांव का एक लड़का मिल गया। वो सियालकोट शहर ही जा रहा था, तो अब टोटा पे नहीं, उसके साथ बाइक पे शहर जा रहा हूँ मैं। घर से निकला था तो पता था कि टोटे पे आना है, मगर रास्ते में एक गांव का लड़का मिला और उसके साथ बैठ के यहाँ पे आ गया बाइक पे। तो ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि टोटे पे बहुत टाइम लग जाना था और जलालत जो है ना वो अलग से। अभी चूंकि मैं पैदल था तो इसलिए मैंने शॉर्ट रास्ता यूज किया। मैं उतरा था वहाँ पे, तो मैं अगर गलियों की तरफ आता तो बहुत टाइम लग जाना था और तंग गलियों में आना था। तो अभी मैंने जो है ना शॉर्ट का रास्ता यूज किया ये बाहर से, तो वहाँ पे मैंने जाना है, वहाँ पे मकान स्टार्ट किए हुए हैं। तो अभी खेतों में से होते हुए शॉर्टकट रास्ता यूज कर रहा हूँ। तो यकीन करें मौसम बहुत ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि हल्की हल्की सी हवा चल रही है जो कि बिल्कुल ठंडी है, और बारिश जो है ना वो इंशाल्लाह अभी मज़ीद आने वाली है। और बारिश जो हो चुकी है उससे आप देख सकते हो कि खेतों में पानी सारे खड़ा हो गया। तो आप मेरे ऊपर देख सकते हो कि बादल जो है ना वो आसमान पे आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे, तो काली सी घटा छाई हुई है बादलों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल है। अभी मकानों में पहुंच गया हूं मकानों की तरफ, तो मिस्त्री और मजदूर जो है वो जोरों शोर से लगे हुए हैं। हाँ जी सर जी, एंड हो गया। हाँ जी एंड हो गया।
अभी आज का काम खत्म हो गया यहाँ पे, तो पता चल गया कि काम होता क्या है। बस बस हो गई आज तो। अभी तकरीबन आज का काम खत्म हो गया, 4:30 बज चुके हैं, तो मिस्त्री छुट्टी कर जाते हैं 4 बजे। तकरीबन आधा घंटा वो ऊपर काम कर रहे हैं अभी, तो अभी हमारी भी तैयारियां वापस घर को जाने की। तो मैं अभी माशाल्लाह से घर आ गया। घर आते ही मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, ना नहाया हूँ, और बाहर को निकला हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? ये जो ये मोटा किसकी तरफ है? मोटा शेर की तरफ है, ये मुकाबला कर रहे हैं। ये देखो। अच्छा, ये शेर और बल्ले का मुकाबला हो रहा है। मोटा जो है मोटा वो शेर की तरफ है, मोटा ये जो ये मोटा तो बच्चों की तरफ से फारग हो गया। अभी महबूब भाई की तरफ आया हूँ। ये 2-3 दिन से लगे हुए हैं ये बन्नू की मेंटेनेंस करने, मतलब ये इन पे मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं ऊपर, मतलब कि कहीं से लीक वगैरह हो तो वो कवर हो जाए, इसलिए ये बन्नू पे जो है ना मिट्टी डाल रहे हैं। तो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि ये इसी काम पे लगे हुए हैं। तो महबूब साहब अभी ख़त्म नहीं हुआ, कितना रह गया? जी अमर भाई, ये मेंटेनेंस थोड़ी सी, ये थोड़ी सी बाकी रह गई है, बाकी वो बना जो नजर आ रहा है उधर कैमरा करे वो नजर आ रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है, बाकी इंशाल्लाह उस तरह से हो गया। अच्छा, ये सारा हो गया? जी जी, चलें सही तो हो गया। तो इंशाल्लाह अभी ये बना भी करेंगे, ये पनीरी वाला बनना जो नजर आ रहा है। अच्छा, ये वाला सामने, ये भी इंशाल्लाह हो करेंगे। इसमें लास्ट में लगानी है मुझे, इसलिए इसको छोड़ दिया कि लास्ट में करूँगा। अच्छा महबूब साहब, जब मैं सुबह गया था, एक काम गया हुआ था मैं थोड़ा ना, तो अभी वापस आया हूँ। तो जब मैं सुबह गया था तो इस खेत में मैं देख रहा था कि आप लोगों ने ना मोटर के ज़रिए पानी लगाया हुआ था, तो मगर अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो पानी कोई खड़ा नहीं है। पानी ज़मीन तो ओढ़ में है, ओढ़ में ओढ़ समझते हो, ओढ़ मतलब सुबह बारिश हुई थी ना, तो पानी खड़ा भी था थोड़ा बहुत, तो खड़ा भी था। अच्छा, तो फिर अभी क्यों बंद क्यों कर दिया मोटर, वो चल रही थी? अभी बंद इसलिए किया कि अभी ईद के बाद वो जो मुंजी लगाने वाले, जिनसे लगवानी थी मुंजी आपने, वो नहीं आज मिले, वो कह रहे हैं कि ईद के बाद इंशाल्लाह लगाएंगे। अच्छा, तो फिर हम भी थोड़ा सा ढीला पड़ गए कि चलो ये काम खत्म कर लेते हैं, फिर क्लियर। ईद भी कल परसों ईद है, बस तो ईद की भी तैयारी करनी है, अभी बहुत छोटा टाइम है, बहुत मतलब ईद के बाद लगाएंगे हम लोगों ने भी जो है ना, ईद के बाद इंशाल्लाह लगानी है।